हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत टेस्टी एकदम से लड्डू जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर से मेरी हेल्थ के लिए भी इस टाइम और तो मेरी वॉइस ठीक से आएगी नहीं तो मैंने ऐसे ही डाला है और ये देख सकते हो ये आटा बुन रही है तो आटे के लड्डू बना रही हूँ मैं जो कि गुड़ की सहायता से बना रही हूँ जिससे कि बच्चा गुड़ भी खा पाए एंड आटा भी आटे के मतलब आटे के लड्डू बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स डलते हैं एंड और गुड़ डलता है तो पूरी रेसिपी है तो पूरा पूरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा जिससे कि आप भी सीख पाओ और बहुत जल्दी झटपट बनने वाले लड्डू हैं बहुत फास्ट से एकदम ज़्यादा समय नहीं लगने वाला और घी भी थोड़ा ही घी लगेगा इसमें क्योंकि हम डालने वाले हैं गुड़ की चासनी के साथ तो जी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई में आटा भून रही हूँ तो आटा को भूनने के लिए थोड़ा समय लगता है उसको गुलाबी सा हो जाए तो तब तक भूनना है हमें तो यहाँ पर लगातार भूनने वाली हूँ मैं यहाँ है रात का वक्त है करीब सात बजे लगी थी मैं और थोड़ी ही देर में मेरे कम्प्लीट सामान दे कहाँ जा रहा है कहा जा रहा है? सामान गिरा दिया? उठा ले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बस ये आटा भोगने जा रही हूँ इसको थोड़ा समय लगता है तो यहाँ मेरे पीछे हस्बैंड जी बैठे थे वहाँ सोफे पर तो उनको कंप्यूटर में कुछ काम था तो वो अपना काम कर रहे थे एंड मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ और सर्दी इस बार इतना ज़्यादा है सर्दी है क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा सर्दी काँपते हुए काम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा और तो यहाँ पर मेरा आटा ऑलमोस्ट भुन ही गया है देख सकते हो आप कलर कलर चेंज हो गया है इसका तो अब इसको मैं थोड़ी सी सूजी डालूँगी इसमें तो मैंने आटा निकाल लिया दूसरे बर्तन में एंड यहाँ डाल लेती हूँ सूजी तो इतना ही सूजी डालने वाली हूँ ज़्यादा सूजी नहीं और इस सूजी को भी भून लेते हैं अच्छी तरीके से तो फिर इसको भी डाल देते हैं आटे के साथ मिक्स कर लेते हैं ये इतना ठंडा हो जाएगा मैंने इतने बड़े बर्तन में डाला है इसको और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स दिखा देती हूँ तो ड्राई फ्रूट्स देखो मैंने कोई ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं ऐसे ही रख दिए तो यहाँ पर थोड़ा सा गोला और काजू बादाम यहाँ डाल दिया घी तो इन सबको मैं फ्राई करने वाली हूँ घी के अंदर और उसके बाद ठंडा होने के बाद इसको भूनूंगी तो जी देखते रहिएगा यहाँ पर सबसे पहले मैंने गोला गोला जो है उसको भून लिया है और थोड़ा सा घी में इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा बादाम बादाम को भून लिया है अच्छे से घी में जो कि बहुत ज़्यादा पौष्टिक लड्डू बने और सेहत एकदम बहुत भरपूर बनी रहे और हमें सर्दी से दूर बचाए रखें और ज़्यादा वैसे बहुत अच्छी अच्छी जो गर्म चीज़ें हैं सॉल्ट वगैरह है वो भी डाल के बनाते हैं बट मैंने सॉल्ट अपनी वजह से नहीं डाली क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं खा सकती इतना तो ठीक चलता है बट सौट अजवाइन ये सब चीज़ें नहीं डल सकती तो नहीं डाली मैंने तो यहाँ पर सब चीज़ों को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है और इसके बाद इसको मुझे थोड़ा सा मिक्सी में पीसना है बिल्कुल बारीक नहीं पीसना हल्का दर दरा पीसना है उसके बाद थोड़े से मैंने ले लिए खरबूजे के बीज जो कि बहुत अच्छे रहते हैं ये भी कमर दर्द के लिए और बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं यहाँ पर ले लिया है मैंने थोड़ा पानी डाला है कढ़ाई में उसी कढ़ाई में और गुड़ डाल दिया है तो इसको चाशनी की तरह बनानी है बट ज़्यादा गाढ़ी वाली चाशनी नहीं बनानी हमको पतला पतला ही रखना है पानी की तरह ही और इसको पीस लेते हैं और यहाँ पर चाशनी उबल रही है और गुड़ पूरा उबल रहा है ये पूरा तैयार हो गया था मुझको ऐसा ही चाहिए तो उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और ये रख कर लिया मैंने अलग बाउल में और इसको हम मिक्स कर मिक्स <laughs> मिक्स कर लेते हैं धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं एंड इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर लड्डू स्टार्ट करते हैं बनाना तो ये पूरा पानी लग गया था इसमें धीरे 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 पूरा पानी लग गया था और जब तक आपके हाथ पूरा तो फ्रेंड्स इतना ठंडा रखना है पानी जितना कि आप सहन कर सको अपने हाथों से और इसको मिक्स करते हुए बनाते रहना है ज़्यादा ठंडा ऐसा नहीं आप डाल के छोड़ दो तो बहुत ज़्यादा गूठ पड़ जाएंगी उसमें आटे में ऐसा नहीं करना आपको साथ का साथ के साथ ही बनाना है तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ और पता है क्या बहुत देर से फिर मैं आटा भून रही थी फिर सूजी भूनी उस चीज़ को रहते हुए ना बहुत थक गई थी मैं उसके बाद में थोड़े से लड्डू मैंने ऐसे बनाए फिर मैं बैठ गई थी आराम से क्योंकि ज़्यादा देर तक मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता काम करती हूँ ना किचन में तो थक जाती हो कभी मैं खड़े खड़े तो बस ऐसे ही थोड़ा सा रेस्ट रहते रहते रहते, रहते बनाती हूँ तो यहाँ पर मैंने बना लिए थे उसके बाद मैं बैठ गई थी आराम से मेरे हस्बैंड बोलने लगे जब थक जाओगी एक साथ ही इससे अच्छा तुम बैठ कर बना लो और यहाँ मेरी बेटी रानी है और मैं हूँ तो बेटी रानी अपनी ड्रॉ कर रही थी कुछ और मैं यहाँ आराम से तसल्ली से बैठ कर बना रही हूँ तो रात का समय था तो ऐसे ही हाँ गल कर रही थी यहाँ पास में बैठी है अभी फरणिया तो हाँ ड्राॅइंगी थी परिंग हमारी तो यहाँ देखो दिखा रही हैं लड्डू मेरी क्यूर्टी पाई दिखा रही थी मम्मा मैं दिखा दूँ आप मत उठो बार बार यही बोल रही थी मुझसे तो यहाँ दिखा रही थी आपको लड्डू और यहाँ मैं धीरे धीरे बना लेती हूँ तसली से आराम से बैठ कर और फिर बच्चे बताए कि अब बड़े उतावले हो रहे थे खाने के लिए कि मम्मा दे दो दे दो पर थोड़े गर्म थे तो मैंने बोला कि अभी रुककर खाना जब भी ठंडे हो जाएंगे ना थोड़े से तो उसके बाद टेस्ट और दुगना हो जाएगा इसका और लड्डू तो बहुत अच्छे बने थे तो आप भी ट्राई करना और फैमिली के साथ पूरे मतलब यार सर्दी में तो ये चीज़ें बनती रहती हैं तो ट्राई करना ज़रूर और कमेंट जरूर करना कि ब्लॉग कैसा लगा आपको और ये मेरे पीछे टब में कपड़े रखे हैं वो धुले हुए थे ऊपर से उतर के आए हैं बस अभी तैनी लगी है इन कपड़ों की तो उसके बाद मैं लगाऊंगी फ्री होकर घर के मतलब पहले किचन का, का काम कर लेती हूँ ख़त्म उसके बाद लगाऊंगी क्योंकि मुझे लड्डू के बाद फिर मुझे खाना भी बनाना था तो खाना भी बनाया था उसके बाद मैंने लड्डू बनाने के बाद तो ऐसे धीरे धीरे करती रहती हूँ सारा काम यहाँ मेरा एठ मंथ स्टार्ट हो गया था एट मंथ चल रहा है मेरा अब इस टाइम जो मैं व्लॉग डाल रही हूँ आपको और यहाँ पर पढ़िया से शायद मैं कुछ कह रही थी यहाँ पर नया कर रही हैं अपनी ड्राइंग यहाँ बातें कर रही हैं तो प्लीज़ आप व्लॉग के साथ बने रहिएगा प्यार देना मेरे व्लॉग को आई होप कि आपको अच्छा लगा हो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में एंड बाय